राशन दुकान के प्रस्ताव को ग्रामीणों की उमड़ी भीड़, रिक्त पड़ी राशन दुकान का रविवार को ग्राम सभा की खुली बैठक में शांतिपूर्ण प्रस्ताव हुआ। जनपद संभल के नखासा के ग्राम हिसामपुर में रिक्त पड़ी राशन दुकान का बृहस्पतिवार को ग्राम सभा की खुली बैठक में शांतिपूर्ण प्रस्ताव हुआ। राशन दुकान लेने के लिए 3 ग्रामीणों ने दावा किया, जिसमें 1 ग्रामीण रूबीना ने अपना नाम वापस ले लिया। मोहम्मद रजी के साथ सर्वाधिक समर्थक 534 रहे, वहीं दूसरे नंबर पर 430 समर्थकों के साथ मोहम्मद आमिर रहे। आपको बता दें, मामला जनपद संभल के थाना नखासा इलाके के हिसामपुर गांव से सामने आया है। दरअसल यहां पर सस्ते गल्ले की दुकान के प्रस्ताव हेतु आज खुली बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों के बैठने हेतु बाकायदा टेंट लगाकर व्यवस्था की गई थी। इस बैठक में बतौर अधिकारी स्थानीय ब्लॉक से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद रफी को 534 समर्थकों ने समर्थन दिया। वहीं दूसरा पक्ष मोहम्मद आमिर का था, जिसे 430 समर्थकों ने समर्थन दिया। मोहम्मद आमिर 134 मतों से विजयी रहे। इससे पहले भी 21 जुलाई को प्रस्ताव के लिए भीड़ इकट्ठी की जा चुकी है, किंतु एक पक्ष के लोग पाल छोड़कर चले गए थे, जिस कारण पिछली बार प्रस्ताव नहीं हो पाया और 30 जुलाई की दिनांक तय कर दी गई थी, जिसमें आज प्रस्ताव मोहम्मद आमिर के पक्ष में गया। और किसको कितने हुआ है? मोहम्मद रजी के नाम प्रस्ताव हुआ है, इनको 534 वोट प्राप्त हुए हैं और दूसरे कैंडिडेट थे हमारे मोहम्मद आमिर, जिनको 430 वोट प्राप्त हुए। कितने कैंडिडेट? 3 कैंडिडेट थे, जिसमें से एक कैंडिडेट ने अपना आवेदन वापस ले लिया है, रूबीना जबी ने। 2 कैंडिडेट बीच में चुनाव हुआ है, जिसमें से ये मोहम्मद रजी सनाब बाबू